आपके आसपास घटती है कुछ खौफनाक घटनाएं जिससे होते हैं आप अनजान। हम आपको उन्हीं खौफनाक घटनाओं से रूबरू करवाते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल हॉरर कहानी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आप अपनी कहानी भी हमें भेज सकते हैं। अगर आपकी कहानी हमें पसंद आती है, हमारे चैनल के देखने वाले दर्शकों को पसंद आती है, तो हमारे चैनल के और सी आपको इनाम के तौर पर कुछ ना कुछ दिया जाएगा। तो जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं या मेरे देखने वाले हैं, कमेंट करिए, अपने कहानी का कुछ शीर्षक हमें लिखकर भेजिए कमेंट में। हम आपको व्हाट्सएप नंबर देंगे, आप उस पर हमें अपनी कहानी भेज सकते हैं। मेरे बड़े भाई की शादी थी, पूरा परिवार खुश था। शाम के समय बारात जाने के लिए पूरा गांव एकत्रित हो गया था। सभी बारात जाने की तैयारी कर रहे थे। कुछ लोग बाइक से जाना चाहते थे और कुछ गाड़ी में जाना चाहते थे। मेरे भाई को तिलक में, दहेज में एक बाइक मिली थी। मुझे बाइक चलाना बहुत पसंद था तो मैंने भी बाइक से ही जाने का फैसला किया। 30 किलोमीटर दूर तो बारात जानी थी। मैंने एक दोस्त को तैयार कर लिया, कहा तू भी मेरे साथ चलेगा। उसने कहा ठीक है। बारात निकल गई, मैं और मेरा दोस्त बाइक स्टार्ट करके चल पड़े। नई बाइक थी, मस्ती में बाइक चलाए जा रहे थे। सड़क तो हमें जाना पहचाना था क्योंकि 2-3 बार मैं वहाँ जा चुका था। हाईवे से 5 किलोमीटर दूर कच्ची सड़क पड़ती है और जंगल से होकर गुजरती है। मैंने बाइक उसी रास्ते पर उतार लिया, पर आगे जाकर डाइवर्जन था। सड़क टूटी हुई थी क्योंकि बहुत समय से मैं वहाँ नहीं गया था, तो शायद सड़क का काम चल रहा था। आगे से रास्ता बाएं मुड़कर जाना होता था। मैं वहाँ से बाएं मुड़ गया। थोड़ा सा आगे जब मैं पहुँचा तो मेरी बाइक बंद पड़ गई। मैंने सेल्फ स्टार्ट कोशिश की लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। मेरे दोस्त ने कहा शायद पेट्रोल ख़त्म हो गया। मैंने कहा नहीं, नई बाइक है, मैंने सुबह ही इस पेट्रोल की टंकी फुल करवाई है, तो पेट्रोल तो ख़त्म होने का संभावना नहीं। मैं नीचे उतर कर गाड़ी चेक करने लगा, बहुत किक मारे पर कोई असर नहीं हो रहा था। तभी मुझे छमछम की आवाज़ करती हुई कुछ सुनाई पड़ी। मैं इधर उधर देखने लगा, अंधेरा था, बाइक बंद हो चुकी थी, मोबाइल का फ्लैश बहुत कम दूर तक ही जाता है। मैं देखने लगा कि शायद कोई हो आसपास में। मैंने देखा एक जंगल की कच्ची सड़क से एक औरत और एक लड़की मेरे सामने आ रही थी। मैंने सोचा होगी कोई इसी गांव की लड़की, शायद शादी का मौसम था, शादी का समय में बहुत सारी शादियां होती है। मुझे लगा शादी में कहीं जा रही होगी क्योंकि सज धज कर वो तैयार थी। मैंने उनसे पूछा कि क्या यहाँ पर कोई गैरेज है, तो उस औरत ने कहा नहीं, यहाँ कोई गैरेज नहीं है, तुम कहाँ जा रहे हो। मैंने कहा मैं मेरे बड़े भाई की शादी में जा रहा हूँ, देखिए ना मेरी बाइक ख़राब हो गई है। उसने कहा गैरेज यहाँ कोई नहीं है। मैंने कहा आप लोग भी कहीं जा रहे हैं शादी में। मैंने कहा हाँ मैं भी शादी में जा रही हूँ। मैंने कहा यहाँ तो अब बाइक कहीं खड़े करने की अगर जगह मुझे मिल जाती तो बहुत अच्छा होता। उन्होंने कहा यहाँ जंगल से थोड़े से दूर पर मेरा घर है, तुम वहाँ अपनी बाइक लगा सकते हो। मैंने सोचा जान ना पहचान, अगर कुछ हो जाता है तो नई बाइक है, घर पे डांट पड़ेगी। तभी मुझे सड़क पर रोशनी आती हुई दिखाई पड़ी। हम और हमारे दोस्त साइड में खड़े हो गए, पीछे दोनों औरत और लड़की खड़ी थी। गाड़ी की रोशनी धीरे धीरे एकदम नज़दीक आने लगी तो मैंने देखा कि वो हमारी ही शादी की गाड़ी थी। हमारे भाई के शादी में जो गाड़ी जा रही थी उसमें से ही उस पर नाम लिखा हुआ था। गाड़ी मेरे पास आकर रुकी, मैंने देखा मेरे चाचा अंदर थे। उन्होंने अंदर से पूछा क्या हुआ, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। मैंने कहा देखिए ना बाइक ख़राब हो गई है हमारी। वो नीचे उतरे, तब तक हमने देखा वो दोनों औरत और लड़की वहाँ नहीं थी। मैंने मेरे दोस्त की तरफ देखा और उससे पूछा, उसने कहा नहीं मैं तो गाड़ी की तरफ ही देख रहा था, मैंने तो नहीं देखा वो कहाँ गई। मेरे चाचा के हाथ में एक बड़ी सी टॉर्च थी, उन्होंने टॉर्च जलाई, चारों तरफ टॉर्च का उजाला किया
पर वो औरत कहीं दिखाई नहीं पड़ी और ना ही वो लड़की, दूर दूर तक कुछ नहीं था, पर थोड़ी दूर पर मुझे कुछ अजीब सा कब्र जैसा दिखा। मेरे चाचा ने मुझे कहा, एक काम करो तुम गाड़ी में बैठ जाओ, मैं बाइक लेकर चलता हूँ। चाचा ने जैसे ही बाइक स्टार्ट किया, बाइक स्टार्ट हो गई, चाचा आगे आगे चल पड़े, हम उनके पीछे पीछे गाड़ी में। सुबह जब मैं लौट कर आ रहा था तो मैं उसी रास्ते से आ रहा था, तो मैंने देखा जहाँ मेरी बाइक ख़राब हुई थी उसके थोड़ी ही दूर पर एक कब्रिस्तान था, जहाँ बहुत सारी कब्रें थी और एक वहाँ टूटा पुराना सा घर था। मैं समझ गया हो ना हो ये किसी आत्मा का ही चाल था हमें फंसाने का। अच्छा हुआ कि गाड़ी पीछे पीछे ही थी, अगर वो गाड़ी नहीं होती तो हमारे जान के लाले पड़ जाते, हमारा बचना बहुत मुश्किल हो जाता, कुछ ना कुछ बुरा हो सकता था हमारे साथ, लेकिन जान बच गई यही कम नहीं थी हमारे लिए। दोस्तों अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, हम आपके लिए इसी प्रकार की कहानियाँ लाते रहते हैं। आपके पास भी अगर कोई कहानी है तो आप हमें सुना सकते हैं। ऐसे मेरे सब्सक्राइबर हैं जिनका मैं नाम लेना चाहूँगा, ऐसे बहुत सारे सब्सक्राइबर का नाम मैं लिखना भूल गया हूँ क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी और माइक की भी ज़रूरत थी, तो माइक लाना पड़ा, सेटअप थोड़ा सा लगाना पड़ता है हमें, तो उसके लिए थोड़ा सा वक्त लग रहा है, लेकिन धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। और आप सब जो कमेंट करते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका प्यार मुझे मिलता है। और आर के तपस, आनंदराज, मेघना चौकसी, बहुत खूब आप हमें मैसेज करते हैं, सैयद काजिर निजमी, इंद्रप्रीत सिंह, राहुल महतो, दीपक वर्मा, सुजीत गोपाल मोहंते, सुमन दास, हरपल पवार, शशांक साहू जी, बहुत बहुत धन्यवाद, राजेंद्र सिंधे, सत्यम गोत्र, शिवराज गुज्जर, सात्वत पांडे, सुजीत गोपाल मोहंते, कमलेश यादव, फणी कुमार वर्मा, पवन कुमार मेहरा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर हैं जो हमें कमेंट करते हैं, सॉरी मैं आज आपका नाम नहीं ले सका, लेकिन अगली वीडियो में मैं आपका नाम लूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों का नाम ऐसे ही लेता रहूँ। और मुझे मज़ा आता है आप लोग कमेंट करते हैं, पढ़ता हूँ आपका कमेंट, बहुत अच्छा लगता है, दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, ऐसे ही कमेंट करते रहें, मैं आपके लिए और अच्छी कहानी लेकर आऊँगा, मेरा हौसला बढ़ाते रहें। और आपके पास अगर कोई कहानी है तो आप हमें लिखें, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिख सकते हैं, छोटा सा लिंक दे या हम आपको व्हाट्सअप नंबर देंगे, अगर आपकी कहानी हमें अच्छी लगती है तो आप हमें कहानी बनाकर भेज सकते हैं, गिफ्ट के तौर पर हम आपको कुछ ना कुछ जरूर देंगे, कोशिश करेंगे कि आपको जल्द से जल्द आपका गिफ्ट आप तक पहुंच जाए। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें, धन्यवाद।